नमस्कार, इंडिया पावर न्यूज जुर्म का पर्दाफाश में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाजपा ने जो वादा किया था आज वह पूरा कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पर बड़ा बयान देते हुए राज्य से धारा 370 हटाने की सिफारिश की। इसी के साथ बताना चाहूंगा कि धारा 370 के कई खंड लागू नहीं होंगे, सिर्फ खंड एक बचा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। अमित शाह ने जैसे ही इस बात का ऐलान किया, राज्यसभा में हंगामा मच गया। इस बड़े ऐलान से पहले जम्मू कश्मीर की सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं धारा 140 लागू कर दी गई है और इंटरनेट मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कुछ अधिकारियों को सैटेलाइट फोन दिए गए हैं ताकि केंद्र सरकार को सूचना मिलती रहे। इससे पहले वहां 35,000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जा चुकी है। साथ ही अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रद्द कर दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर धारा 370 क्या है और इसको हटाने का क्या मायने है। तो धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य का अनुमोदन लेना पड़ता था। भाजपा ने पहले भी अपने घोषणा पत्र में यह नारा दिया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया जाएगा, और आज आखिर वह दिन आ ही गया कि जब धारा 370 को हटाने के लिए अमित शाह ने पहल कर दी है।